और अब बात क्रिकेट की। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने दोनों मैच जीत लिए। पहले मैच में भारत ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराया और फिर दूसरे मैच में पाकिस्तान को 6 रनों से। अब भारतीय टीम का मुकाबला सह मेजबान अमेरिका से है, जो 12 जून को खेला जाना है। T20 में ये पहला मौका होगा जब अमेरिका और भारत टकराएंगे। दोनों की कोशिश जीत की होगी, वो इसलिए भी क्योंकि जो भी मैच जीता वो अगले पड़ाव यानी सुपर 8 में पहुंच जाएगा। इधर पाकिस्तान बाहर होने की कगार पर है। आज पाकिस्तान का मुकाबला कनाडा से है। अगर गलती से भी पाकिस्तान की टीम हारती है तो उन्हें इस्लामाबाद लौटना पड़ेगा। हालांकि जीत के बाद भी नेट रन रेट पर निर्भर होना पड़ेगा। अब ऐसे में भारत की कोशिश ये होगी कि कल का मैच जीतकर वो सुपर 8 में पहुंचने की कोशिश करे। लेकिन क्या नासाउ के पिच पर यह वाकई इतना आसान है? अमेरिका की निगाहें उलटफेर पर, भारत की निगाहें सुपर 8 पर। पिच कर रही दगाबाजी, कैसे होगी बेहतर बल्लेबाजी? सुपर 8 में पहुंचने के लिए भारत को कम से कम 3 पड़ाव पार करने हैं। भारतीय टीम 2 पड़ाव पार कर चुकी है। अब तीसरे पड़ाव को पार करने के लिए अमेरिका में होगी टक्कर। तीसरा युद्ध 12 जून दिन बुधवार शाम 8 बजे लड़ा जाएगा। टीम होगी अमेरिका, वही अमेरिका जो 2 मुकाबले जीतकर सुपर 8 की तरफ देख रहा है। दूसरी तरफ भारतीय टीम है जो बैक टू बैक 2 मुकाबलों में जीत दर्ज कर चुका है। कल जो भी जीतेगा वो सुपर 8 में पहुंच जाएगा। आज सबसे पहले हम आपको पॉइंट्स टेबल से समझाएंगे कि सुपर 8 पहुंचने के दावेदार कौन कौन है। इस बार वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें खेल रही है, जिसके लिए 4 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए में भारत, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान और आयरलैंड है। सभी टीमों को 4-4 मैच खेलने हैं। भारतीय टीम 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, तो वहीं अमेरिका भी अपने शुरुआत के 2 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर है। कनाडा को 1 मैच में जीत मिली है, 1 में हार, जो तीसरे स्थान पर है। पाकिस्तान अपने 2 मुकाबले हार कर 4th नंबर पर है। बाकी टीम नेट रन रेट में काफी पीछे है, तो वहीं आयरलैंड 2 मुकाबले हार कर 5वें नंबर पर है। आज एक तरफ पाकिस्तान का कनाडा के साथ मुकाबला है, तो वहीं 12 जून को भारत और अमेरिका के बीच जंग है। अगर भारतीय टीम अमेरिका के खिलाफ मैच जीतती है तो भारत सुपर 8 में पहुंच जाएगा, और अगर अमेरिकी टीम जीतती है तो अमेरिका सुपर 8 में जगह बना लेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान बाहर होने की कगार पर खड़ा है, उसके लिए सुपर 8 पहुंचना मुश्किल है। अगर पाकिस्तान को सुपर 8 में पहुंचना है तो पाकिस्तान को अपने बचे हुए 2 मैच बड़े अंतर से जीतने होंगे। इसके अलावा उसे कामना करनी होगी कि कनाडा और यूएसए अपने अगले सभी मैच हार जाएं। पाकिस्तान और यूएसए दोनों के 4-4 अंक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में फैसला नेट रन रेट के आधार पर होगा, मतलब नेट रन रेट अमेरिका से बेहतर नहीं रहा तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। खैर, पाकिस्तान की उम्मीदें भले ही कम है, लेकिन भारत अमेरिका के खिलाफ किसी भी हाल में मैच जीतना चाहेगा। इसके लिए भारत को नासाउ के पिच पर बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। क्या है वहां की पिच रिपोर्ट? पिच से गेंदबाजों को मदद मिल रही है। यहां कुल 6 मुकाबले हुए। पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती 3 मैच, चेस करने वाली टीम जीती 3 मैच। पिच की कंडीशन कह रही है कि जिस टीम के गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया वो यहां जीत दर्ज करेगी। इस पिच पर अमेरिकी टीम अच्छा खेल रही है। अमेरिका के पास बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आरोग जोन्स और मोनांग पटेल T20 में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। आरोग जोन्स ने 28 T20 मैचों में 30.23 की एवरेज से 514 रन बनाए हैं, तो वहीं इस साल T20 वर्ल्ड कप में 2 मैच में 130 रन बनाए हैं। मोनांग पटेल के T20 करियर पर नजर डालें तो इस खिलाड़ी ने 27 T20 मैचों में 507 रन बनाए। मोनांग ने इस T20 वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। मोनांग ने 2 मैच में 64 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजों में सौरभ नित्रावलकर ने 29 T20 मैचों में 6.62 की इकॉनमी से 29 विपक्षी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया है। एंड्रीज गॉस ने भी T20 वर्ल्ड में 2 मैच में 100 रन बनाए हैं। अमेरिका को अपने होम ग्राउंड पर खेलने का फायदा मिल रहा है, तो वहीं भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के 2 मैच में सिर्फ 5 रन बनाए हैं।
कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 13 और अपने दोनों मैचों में 65 रन बनाए हैं। तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी बल्ले से अब तक कुछ कर नहीं सके हैं, उन्होंने 2 मैच में सिर्फ 9 रन बनाए। शिवम दुबे भी नाकामयाब साबित हुए और 2 मैचों में सिर्फ 3 रन बना पाए। पंत छोड़ दिए जाएं तो किसी के भी बल्ले से रन नहीं निकले हैं। पंत ने 2 मैच में 78 रन बनाए हैं। हालांकि भारतीय गेंदबाज कहर बनकर बल्लेबाजों पर कहर बरसा रहे हैं। बुम बुम बुमराह ने 2 मैच में 5 विकेट झटके हैं। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 2 मैच में 5 विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई है। सरदार अर्शदीप भी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तक 2 मैच में 3 विकेट टीम के लिए निकाल चुके हैं। अब देखना यह है कि नासाउ की पिच कल अपना रंग बदलती है या फिर एक बार गेंदबाजों को फायदा पहुंचाती है। कल एक बार फिर दोनों टीमों के लिए जीत जरूरी है। जो भी जीता वो सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अमृत आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। वक्त की ब्याज थोड़ी सी कमी हो गई है, अमृत के पास आपको लिए चलेंगे, उनसे समझते हैं। अमृत, सवाल हमारा ये कि चूंकि भारतीय हैं तो अपने से ज़्यादा पड़ोसियों की चिंता हम करते हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब वो पटाखे जो वो कई सालों से नहीं फोड़ पाया है तो वो फिर उसके पास ही रह जाएंगे, वापस इस्लामाबाद जाने की नौबत बनेगी, उसके जो सितारे हैं वो कुछ इस तरह के बन रहे हैं, प्लीज़। बिल्कुल ललित, ये हम मान के चलेंगे क्योंकि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लग नहीं रहा मुझे पाकिस्तान के लिए। और यूएसए का अगला 2 मुकाबला हारना, हालांकि हिंदुस्तान के सामने मैं कह सकता हूं कि उतना दमखम दिखेगा नहीं क्योंकि सारे पोटेंशियल हमें पता है, जो यूएस के टॉप मोस्ट खिलाड़ी है वो इंडिया के में अंडर-19 खेल चुके हैं या इंडिया से ही वो जाकर यूएस की टीमें खेल रहे हैं, तो यूएस के लिए इंडिया को हारना बहुत टफ है। लेकिन यूएस का अपना आखिरी मैच जो है वो हारना मुझे लगता नहीं है कि यूएस इतनी जल्दी हारेगा। और अपने मतलब जो हमारा ग्रुप है उससे भारत और यूएस की टीम ही मुझे लग रहा है कि आगे के लिए क्वालिफाई करेगी। और पाकिस्तान के लिए देखिए दोनों राह मुश्किल है, जिस तरह से यूएस ने खेल दिखाया है पाकिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी के अगेंस्ट, तो आप हल्के में लेके नहीं सकते ललित। तो पाकिस्तान के लिए बस मैं एक ही सलाह यही कहूंगा कि अब अगले साल दुआ कीजिए, गुजारिश कीजिए कि अगले साल कुछ आप कर पाए, इस बार बहुत मुश्किल रहा है जी जी। या फिर पटाखे यहाँ पहुंचवा दें, हमारे यहाँ तो हर मौके पर जश्न मनाने की परंपरा है, पाकिस्तान जीत जाता तो भी हम लोग जश्न मना लेते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसे डिकोड करने के लिए। हालांकि टॉस से जुड़ा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल भी था, वो बच गया, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।